अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाजिर हूँ आप लोगों के साथ न्यू वीडियो के साथ। जैसे आपने हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट से घिरा हुआ है, तो अभी अपना डिस्कस कर रहा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हवाले से, एनसीएस के हवाले से, और बहुत से एग्जाम के हम आपको करेगा, एबीसी लेवल का हो, फार्मेसी लेवल का हो। तो मैंने उस कंप्लीट टॉपिक से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट उससे चुना है, तो वो आप लोगों को बोर्ड के बोर्ड में हमें लिखा है। तो आप लोगों को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स किस चीज़ को कहते हैं? पॉली मीन मैंने सेकेराइड्स, मीन शुगर। मैंने सेकेराइड्स जब 10 से भी ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीसेकेराइड। चलो हम ज़रा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं इसकी। पॉलीसेकेराइड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला made of many monosaccharide units per molecule. जब many monosaccharides मिल के तो क्या बनाते हैं? पॉलीसेकेराइड। आज अभी हम आते हैं फार्मूला किसी चीज का याद करना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप लोग फार्मूलों का लिस्ट बनाए। अगर आप चीज का किसी चीज का आपका फार्मूला आता हो तो आप इसका स्ट्रक्चर भी इजीली से बना सकते हो। C6H10O5 क्या इसका स्ट्रक्चर है? द मेजोरिटी ऑफ द नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स अकर कंटेन 80 to 100 मोनोसेकेराइड्स। जब नेचुरली प्रेजेंट होता है, जब हमारा नेचर में प्रेजेंट होता है, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, तो उसमें क्या कितना मोनोसेकेराइड्स होता है? 80 to 200। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस जब मैं स्टार लगाता हूँ तो आप समझ दें कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम इंटरेस्ट, और जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट। सिलोस फॉर एग्जाम्पल द एवरेज अबाउट 3000। जब हम सेलुलोज बढ़ेगा ग्लूकोज यूनिट पर मॉलिक्यूल, सेलुलोज की एक मॉलिक्यूल पर 3000 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होता है। कितना? 3000। इसको भी एडलाइन में अंडरलाइन किया तो आप समझ लें थे इंपॉर्टेंट पॉइंट। से अब आते हैं इसको डी ब्रांच ऑफ बीटा साइक्लिक्स। अब हम इसका डी ब्रांच और इसमें कितना ब्रांच होते हैं? लीनियर होते हैं, जिसको डी कहते हैं। ब्रांच होते हैं बीटा लिंकेज, अल्फा लिंकेज, अल्फा साइक्लिक होता है जैसे, और सी जो होता है सी। अभी सी इसका स्ट्रक्चर हम लिखेगा, सी बना दें ये इसका स्ट्रक्चर है, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो अब नीचे आते हैं द मेजर इंपॉर्टेंट पॉलीसेकेराइड्स आर स्टार्च। जब मेजर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जब बड़े मिकदार में पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, स्टार्च, स्टार्च नशस्ता को कहते हैं उर्दू में, नशस्ता कहते हैं। आप लोगों ने अगर उर्दू मीडियम में पढ़ा है तो स्टार्च, स्टार्च जो होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया थे, किसी चीज़ की बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे फल वगैरह के बीच में होता है ग्लाइकोजन। स्टार्च जो होता है ये प्लांट में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। जब इसका फिर ब्रेक डाउन होगा तो एटीपी एनएडीपी, इस तरह एक कंप्लीट प्रोसेस है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फर्दर आगे जब हम स्टडी करेगा फिजियोलॉजी में भी आएगा, तो हम लोग इंशाल्लाह फिर डिटेल से इसको पढ़ेगा कि स्टार्च क्या चीज़ है। ए स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी
जो प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन जो होता है हमारे लिवर में स्टोर होता है, ये स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारा लिवर में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज व्हिच आर पॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज स्टार्च प्लांट सेलुलोज आर स्ट्रक्चर। सेलुलोज क्या चीज होता है, जब आप स्टेम पे देखेगा दरख्त की तने पे आप लोग देखेगा, दरख्त की तने पे जब आप लोग देखेगा तो उधर क्या मौजूद है, सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज को भी याद रखना है कि वो किधर प्रेजेंट होता है, वो जो होता है सेलुलोज का वो डी ग्लूकोज से बना हुआ है। एल ग्लूकोज डी ग्लूकोज एक आप लोगों ने पिछले वीडियो देख सकता है, या मैं फिर डिस्कस नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करूंगा डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेगा। तो सेलुलोज जो होता है कार्टन वगैरह बनाने में, हमारा कार्टन में जब कार्टन जो होता है सारे सेलुलोज बना, आपने देखा हुआ चूहे वगैरह जो होते हैं कार्टन को खा देते हैं क्योंकि इसमें सेलुलोज है। सेलुलोज जो है हमारा पास हमारे इंटेस्टाइन में सेलुलोज के लिए वो एंजाइम्स वो बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता है, लेकिन एनिमल में सेलुलोज के डाइजेस्ट करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है, तो वो सेलुलोज को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। से हम लोग सेलुलोज है वो एनिमल में जो होता है उसके लिए एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है। तो ये थी हमारा आज का लेक्चर, तो इसको फर्दर डिस्कस करेंगे।